एटीएम से अगर आप 200 रुपए का नोट निकालने की सोच रहे हैं तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस नोट को पहुंचने और एटीएम से निकलने में 3 महीने तक का समय लग सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हफ्ते भर पहले ही 200 रुपए के नोट जारी किए हैं। अभी एटीएम को इन नए नोटों के लिए तैयार किया जाना है। एटीएम को खास आकार प्रकार के नोटों के लिए तैयार किया जाता है। इनमें कोई नया नोट डालने के लिए उसके हिसाब से बदलाव करना पड़ता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। अभी आरबीआई की ओर से सभी बैंकों को 200 रुपए के नोट की खेप भी नहीं पहुंची है। कुछ बैंकों ने अपनी एटीएम कंपनियों को मशीनों में नए नोट के लिए टेस्टिंग का निर्देश दिया है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में नोटबंदी के बाद 500 और 2000 रुपए के नए नोटों के लिए एटीएम में बदलाव करके उन्हें इनके लायक बनाया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 200 के नोट जारी करते हुए कहा था कि इनकी आपूर्ति जल्द शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बारे में किसी समय सीमा का जिक्र नहीं किया था। एटीएम निर्माण से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि उन्हें अभी तक रिजर्व बैंक की तरफ से 200 रुपए के नोटों के लिए मशीन में बदलाव करने के बारे में कोई निर्देश नहीं मिला है। 200 रुपए के नोट का आकार काफी अलग है। कुछ बैंकों ने शुरुआती जानकारी के आधार पर इनके हिसाब से एटीएम टेस्टिंग के लिए कहा है। देश भर में करीब 2.25 लाख एटीएम में इस नए नोट के लिए बदलाव किया जाना है। एटीएम को 200 के नोट के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए एटीएम मशीन में नोट भरने वाली कैसेट के हार्डवेयर में बदलाव करना होगा। फिलहाल देश के किसी भी एटीएम में इस नोट को निकालने के लिए हार्डवेयर नहीं है। वहीं पूरे देश में भी 200 का नोट नहीं मिल रहा है। फिलहाल ये कुछ बड़े शहरों में स्थित मुख्य ब्रांच में ही मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएम।